ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो नारद जी वर्णन कर रहे थे कि राजा मलयध्वज ने किस प्रकार से परम सिद्धि की प्राप्ति की। सबसे पहले उन्होंने क्या प्राप्त किया? सबसे पहले जो संसार के द्वंद होते हैं, जैसे दिन रात, मान अपमान, शीता उष्णा, सुख दुख, इन सब के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। इसको समदर्शिना कहते हैं। इसके पश्चात नारद जी कहते हैं राजा मलयध्वज उन्होंने देवताओं की गणना के अनुसार, देवताओं की गिनती के अनुसार उन्होंने देवताओं के 100 वर्षों तक तपस्या की। इस 100 वर्षों की तपस्या करने के बाद राजा मलयध्वज को भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति की प्राप्ति हुई, रुचि की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षण हुआ। उसके तत्पश्चात ये आकर्षण भगवान की तरफ जो उनका जागृत हुआ, वो बिल्कुल निष्ठा हो गया, स्थायी हो गया, उसमें बाद में कोई बदलाव नहीं आया। तो इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना कि राजा मलयध्वज ने लगभग देवताओं के 100 सालों तक तपस्या की। हमारे साल में और देवताओं के साल में बहुत अंतर होता है। हमारे धरती के ऊपर जब 6 महीने बीत जाते हैं तो देवलोक में आधा दिन बीतता है, 12 घंटे। जब धरती के ऊपर 1 साल बीत जाता है तो देवता लोक में 1 दिन बीतता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देवताओं के 100 साल मतलब क्या है, धरती के ऊपर कितने साल हो गए? 36,000 साल, 36,000 ईयर। राजा मलयध्वज ने 36,000 साल तक तपस्या की। उसके बाद उन्हें भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण, उसके बाद उनको रुचि पैदा हुई जो बाद में स्थिर हो गई, निष्ठा में बदल गई। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति बड़ी आसान जरूर है। सुसुखम कर्तम अव्ययम, सुसुखम का मतलब होता है बड़ी ही सरल है भगवान की भक्ति, कठिन नहीं है। सुख के साथ में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो अनेकों प्रकार की जो तपस्याएं होती हैं वो बहुत कठिन होती हैं। लेकिन फिर भी हमें यह समझना है कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। सरल जरूर है
लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। भगवत गीता में इसलिए देखिए भगवान क्या बताते हैं। भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, जब हमारे बहुत सारे जन्म बीत जाते हैं, बहुत सारे जन्मों के पश्चात, यहां पर भी हम देख रहे हैं राजा मलयध्वज ने 36,000 साल, मतलब धरती के ऊपर बहुत लोगों के जन्म बीत जाते हैं, तब जाकर के हमें जो है भगवान की भक्ति में दृढ़ता की प्राप्ति होती है। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब उसे क्या समझ में आता है, वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, तब उसकी ये समझ में आता है कि जीवन का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य, अंतिम गति भगवान वासुदेव हैं, उनकी प्राप्ति ही सर्वोत्तम है, उनकी प्राप्ति ही मेरे जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है, चरण है, तब जाकर के व्यक्ति को ये समझ में आता है वासुदेवम सर्वमिति। तो यहां पर हम लोग राजा मलयध्वज के जीवन में भी यही देख रहे हैं। दूसरा ये भी समझना चाहिए कि उनको जो दृढ़ता प्राप्त हुई, निष्ठा, जो भगवान के प्रति जो रुचि, जो आकर्षण की प्राप्ति हुई, उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो वेदों में बताया है कि भगवान की जो भक्ति होती है उसमें दृढ़ता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा जब हमारी पहले बड़ी कच्ची होती है, बाद में जब यही श्रद्धा पक जाती है, निष्ठा में बदल जाती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए ये उदाहरण दिया जाता है, आम का जो फल होता है वो पहले भी आम का फल होता है, बाद में भी आम का फल होता है, लेकिन दो अवस्था होती है, जब आम कच्चा होता है तो बड़ा खट्टा होता है, यही आम जब पक जाता है तो बहुत रसीला, बहुत मीठा हो जाता है। तो इसी प्रकार श्रद्धा भी दो प्रकार की है, पहले कहते हैं कोमल श्रद्धा, जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारी श्रद्धा अत्यधिक नहीं होती है, लोगों के तर्क वितर्क से कई बार हम भटक जाते हैं, हमारा भगवान की भक्ति की तरफ से मन चला जाता है, हम भक्ति करना छोड़ देते हैं, लेकिन यही जब हम कुछ समय तक प्रयास करते रहते हैं और भगवान में रुचि जागृत हो जाती है, एक प्रकार की आसक्ति आ जाती है, तब हमारी भक्ति जो है गूढ़ हो जाती है, हमारी भगवान में श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है। तो इस विषय में चैतन्य चरितामृत में कहा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता हया। वो कहते हैं कि श्रद्धा का असली मतलब क्या होता है, श्रद्धा शब्दे, ये श्रद्धा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, क्या है, क्या विश्वास, सुदृढ़ निश्चय है, व्यक्ति अपने जीवन में एक सुदृढ़ निश्चय कर लेता है, क्या निश्चय कर लेता है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता हया, कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाऊं तो मेरे सारे जितने भी कार्य हैं सब संपन्न हो गए, सर्व कर्म कृता हया, सारे काम मेरे संपन्न हो गए, मुझे अलग से ये करना वो करना, योग करना, ज्ञान करना, अपनी इंद्रियों को काबू में करना, देवताओं की प्रसन्नता करना, यज्ञ करवाना, ये जितने भी कार्य होते हैं ये सब संपन्न हो जाते हैं। अगर व्यक्ति उसकी ये समझ में आ जाए कि अगर मैं भगवान की भक्ति में लग गया
तो मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो ये अवस्था प्राप्त की राजा मलयध्वज ने। आगे नारद जी कहते हैं और उन्होंने क्या प्राप्त किया। वो कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की साक्षात्कारता की प्राप्ति की कि उनकी अब ये समझ में आ गया कि आत्मा इस देह से अलग है, मैं ये शरीर नहीं हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं लेकिन उनका निष्कर्ष क्या निकलता है, अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन क्या होता है? शून्यवाद, मतलब सब कुछ जीरो है, ये शरीर ये एक दिन शून्य में मिल जाएगा, मैं भी कुछ नहीं, मेरा भी कुछ अस्तित्व नहीं रह जाएगा, मैं भी शून्य हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो यहां पर राजा मलयध्वज, उनको क्या साक्षात्कार की प्राप्ति हुई, उनकी ये समझ में आ गया नहीं भाई ये शरीर तो अलग है और मैं अलग हूं। इसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं, ये शरीर भौतिक है, इसमें और आत्मा में अंतर होता है, शरीर नश्वर होता है, आत्मा का कोई अंत नहीं है। भगवद गीता में भगवान दूसरे अध्याय में यही तो समझाते हैं, ये तो बिगिनिंग है, ये तो शुरुआत है आध्यात्मिक ज्ञान की। जब अर्जुन इस शरीर के विषय में विलाप कर रहे थे तो भगवान ने यही तो पाठ समझाया, उन्होंने कहा अशोचयानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादमश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो अपने आप को पंडित कहते हैं लेकिन अंत में सोचते हैं कि सब कुछ शून्य हो जाएगा, वो मूर्ख लोग हैं। तो अर्जुन भी इसी प्रकार से सोच रहे थे कि मैं तो मर जाऊंगा, ये लोग मर जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, खत्म, समाप्त, जीरो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। भगवान क्या बताते हैं आगे, भगवान ये भी बताते हैं नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर का तो अंत हो जाएगा लेकिन आत्मा जो है नित्य स उक्ता, वो नित्य है, उसका अंत नहीं है। इस शरीर को जब हम जला देते हैं राख हो जाती है लेकिन आत्मा नहीं जलती है, तो आत्मा में और इसमें अंतर होता है, ये उनकी समझ में आ गया। ये पहला। दूसरी उनकी ये भी समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं लेकिन मेरे साथ साथ में इस हृदय के अंदर में परमात्मा भी बैठे हैं। ये भी एक प्रकार का लोगों को अज्ञानता है। वो कहते हैं कि हमने आध्यात्मिकता में प्रगति की है, और वो कई बार वेदों का श्लोक भी आपको कहेंगे सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन्, वो आपको बताएंगे कि सब कुछ ब्रह्मन है। मतलब देखिए कई बार इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मन है, वही भगवान जीव के रूप में पैदा होता है वो भी ब्रह्मन है, वही भगवान महात्मा है, वही भगवान दुरात्मा है। देखिए इसका ये अर्थ निकालते हैं, सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन का मतलब क्या होता है, मैं भी ब्रह्मन हूं लेकिन एक परम ब्रह्मन भी है, दोनों में अंतर होता है। ब्रह्मन और परब्रह्मन बराबर नहीं होते हैं, पुत्र और पिता बराबर नहीं होते हैं, पुत्र अलग है पिता अलग है, ऐसा नहीं है कि पिता ही पुत्र है पुत्र ही पिता है, ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा न्याय है। तो ये हमें समझना है, आत्मा और परमात्मा में भेद होता है, आत्मा अंश है, परमात्मा संपूर्ण है। तो ये उदाहरण दिया जाता है, परमात्मा समुद्र की भांति है और आत्मा उसकी एक छोटी सी बूंद की भांति है। परमात्मा संपूर्ण
बड़ी अग्नि के बराबर हैं और आत्मा एक छोटी सी चिंगारी के बराबर है। परमात्मा भगवान वो जो है पूर्ण सोने की, आपने खान देखी होगी तो सोना, जैसे कोलार की गोल्ड माइंस बताई जाती हैं, तो वहां पर जो सोना होता है और सोने का छोटा सा अगर आप देखें, हम एक कड़ा बना लेते हैं, सोने का कान का कुंडल बना लेते हैं, सोने की अंगूठी बना लेते हैं, तो क्या दोनों में अंतर नहीं है? दोनों सोना है, दोनों में गुण बराबर हैं, लेकिन मात्रा में डिफरेंस है, मात्रा में अंतर होता है। आप देखिए जो कोलार गोल्ड माइन की जो वैल्यू है और आपके पास में एक छोटा सा गोल्ड का रिंग है, अंगूठी है, क्या दोनों का मूल्य बराबर है? दोनों का मूल्य बराबर नहीं है। इसी प्रकार से हम भी सत्चित आनंद हैं, भगवान भी सत्चित आनंद है, लेकिन हम अंश हैं, वो विभू हैं। हमें अणु कहते हैं, उनको विभू कहते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति का मतलब है ये सारी अज्ञानताएं चली जाती हैं। पहली अज्ञानता ये जाती है कि मैं ये शरीर हूं, अंत में कोई रियलिटी नहीं, सब कुछ जीरो है, ये अज्ञानता खत्म हो जाती है। ये समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये अलग है, ये भगवान की भौतिक प्रकृति है और मैं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, तो दोनों में अंतर होता है। दूसरी अज्ञानता जो चली जाती है वो ये चली जाती है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये अज्ञानता भी चली जाती है। तब व्यक्ति की समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, वो मेरे स्वामी हैं। दास और मालिक बराबर थोड़ी होते हैं, ये तो मूर्खता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार होने के बाद में भगवान के साथ एक नहीं हो गए? भगवद गीता के बाद में क्या आपने देखा अर्जुन कह रहा है मैं ही कृष्णा, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही अर्जुन हूं? ऐसा तो नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो कहते हैं नष्ट मोहम, मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन मोह नष्ट के बाद में वो क्या कहते हैं? क्या अर्जुन भगवान में जाकर के मिल गए? ऐसा तो कहीं पर भी हमने नहीं देखा है। तो ये समझना है। अब आगे नारद जी और क्या बताते हैं इस विषय में, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।